सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। मैं कुलदीप सिंह, डाइट लेक्चरर हाथरस, डीएलएड स्टूडेंट्स का अपनी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं, जो कि सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन की है, शारीरिक शिक्षा की है। हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ एजुकेशन से। हेल्थ एजुकेशन होता क्या है? हेल्थ और एजुकेशन, पहले सबसे पहले हम जानेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ हमारी तीन डायमेंशनल होती है, इसके तीन आयाम होते हैं, वो होती है फिजिकल, मेंटल और सोशल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। उसके बाद आती है नॉलेज, एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स नॉलेज, जानकारी, ज्ञान। ये सबके बारे में जानकारी रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होता है किसी भी टीचर के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए और किसी भी जनरल पर्सन के लिए। वहीं पर हम इसको WHO ने भी एक डेफिनेशन दी है हेल्थ एजुकेशन की। उन्होंने कहा है, WHO मींस होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है हेल्थ इज अ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। इसका मतलब हेल्थ वह है, स्वास्थ्य वह है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थ होता है। हम इसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे स्कोप और एरियाज का। इसका स्कोप कहाँ कहाँ होता है, एरियाज कहाँ कहाँ होते हैं। हम स्कोप के बारे में बात करते हैं और एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले आता है उसका स्कूल। स्कूल्स में स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन सब विद्यार्थियों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उन्हें स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा नहीं देंगे, जानकारी नहीं देंगे, तो वो स्वस्थ नहीं होंगे। अगर वो स्वस्थ नहीं हुए तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से स्कूल में क्लास में पढ़ाए जाने वाला कंटेंट, मटेरियल, एजुकेशन, शिक्षा दी जाने वाली, वो उन तक नहीं पहुंचेगी और वो वहाँ से छूट जाएगी। उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स होती है सामाजिक, जहाँ पर आप रहते हैं उस रखरखाव को, वहाँ का कैसा ध्यान करते हैं, कैसे लोगों को आप बता रहे हैं, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कितना क्लीन रखते हैं, और उसको क्लीन करने के लिए वहाँ पर जर्म्स ना पैदा हों, वहाँ पर डिजीज ना डेवलप हो, वहाँ पर बीमारी ना बढ़े, उसको ख़त्म करने के लिए हम वहाँ के लोगों को भी उसके बारे में अवेयर करेंगे और उसके बारे में बताते रहेंगे। उसके बाद आती है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज मीन्स होती है हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल, नर्सिंग होम्स, जहाँ पर डॉक्टर्स, पेशेंट और जनरल पर्सन होते हैं। वहाँ पर डिजीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं अगर वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान ना दिया जाए तो, इसलिए वहाँ पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं साफ़ सफाई का और क्लीनलीनेस का, जिसमें कि वहाँ पर डिजीज़ डेवलप ना हो पाए। उसके बाद आते हैं हेल्थ प्रमोशन फॉर स्टाफ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में स्टाफ होता है और उस स्टाफ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टाफ ही स्वस्थ नहीं होगा तो वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा, उस संस्था में काम पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा, वो बिछड़ जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए वहाँ के स्टाफ को भी हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें और हेल्दी रख सकें। उसके बाद आते हैं हम एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके एम क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एम होता है किसी भी चीज़ का एक, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन का एम है डिजीज़ फ्री बॉडी। डिजीज़ फ्री बॉडी मीन्स उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी डिफॉर्मिटी, कोई भी विकार, कोई भी डिजीज़, कोई बीमारी नहीं है, उस तरह के शरीर को हम कहते हैं स्वस्थ शरीर। वहीं पर ऑब्जेक्टिव्स, अगर हमें अपना एम अचीव करना होता है, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स पर विशेष ध्यान देते हैं। जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को चलते हुए अपने एम को अचीव करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको डेवलप करना है फिजिकल हेल्थ को। फिजिकल हेल्थ मीन्स आप, अगर आप अनहेल्दी हैं, अगर आप डिफॉर्म हैं, अगर आप इंजर्ड हैं, अगर आपके बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटी है, उसको दूर करना है, उसको रिमूव करना है, अदरवाइज तो आप हेल्दी नहीं हो पाएंगे। सो उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स होता है आपकी सामाजिक, मीन्स आपकी मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है कि आप कितना अच्छा सोचते हैं, आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं, और आपका जो सोचने का दायरा है वो कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ भी सामाजिक हेल्थ, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के साथ आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, आपके कितने अच्छे संबंध हैं, वहाँ पर आपके सामाजिक हेल्थ को दर्शाया जाता है। उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ मीन्स होता है आपका इनर सोल। जब हम किसी के साथ जुड़े होते हैं तो वहाँ पर हम अपने इमोशंस के साथ जुड़ते हैं, इनर सोल से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से हम सबके संबंध बहुत मधुर और अच्छे होते हैं। अब अगर हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं घर में, तो वहाँ पर हम इमोशनली जुड़ते हैं, ना कि प्रोफेशनली। उसके बाद आता है इमोशंस और भी अच्छे हो सकते हैं जब आप हेल्दी होते हैं, तो इसलिए हेल्थ पे आपके इमोशंस डिपेंड करते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होती है,
महत्व क्या होते हैं। तो वो इसमें चार दिए गए हैं। सबसे पहला होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको हेल्थ एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप कहीं भी वर्क कर रहे होते हैं वो बिना थके हुए काम कर देते हैं, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो बिना टायर्डनेस बिना थके हुए उस जॉब के काम को पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो क्वालिटी है लाइफ की वो बेटर है। उसके बाद आता है रिड्यूस प्रीमैच्योर डेथ। प्रीमैच्योर डेथ से मतलब है कि आप जब आपने देखा होगा कि आज कल बहुत ज़्यादा डेथ, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के द्वारा होती है और वो अपनी एज पूरी भी नहीं कर पाता है। इसलिए उसका विशेष ध्यान रखना है कि हम प्रीमैच्योर डेथ को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, उससे दूर करने, उससे निजात पाने के लिए हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपनी लाइफ के स्टाइल को बदल देना चाहिए, इसलिए हम प्रीमैच्योर डेथ को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जब आप योगा करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो हमारी जो हेल्थ है वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ती जाती है। उसके बाद गुड बिहेवियर। आपका बिहेवियर आपके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। जब आप अनहेल्दी होते हैं, जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपका बिहेवियर भी बहुत खराब होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, दूसरों के प्रति भी दूसरों से आप घृणा करते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका बिहेवियर भी दूसरों के प्रति उतना ही अच्छा होगा जितना कि आप अपने प्रति रखते हैं। इसलिए आपका बिहेवियर आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द हेल्थ। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपकी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है वो अनहेल्दी है। आप कभी भी खाना खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी भी कुछ भी लग जाते हैं करने के लिए, तो उसमें आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी हो जाती है। उसके बाद नॉट टू टेक प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। आप देखते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चों को वो बाहर जाकर के फास्ट फूड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बाहर जाकर खाना पसंद करते हैं, इसलिए वो उनको प्रॉपर डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डिफॉर्मिटी हो जाती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है और वो बहुत सारी जर्म्स और डिजीज से ग्रसित होने लगते हैं। इसलिए उसको दूर करने के लिए हमें बच्चे का और एडल्ट का और ओल्ड पर्सन का विशेष ध्यान रखना चाहिए उनको प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन का। उसके बाद होता है नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। अगर बच्चा या बुजुर्ग या व्यक्ति प्रॉपर रेस्ट नहीं करेगा, प्रॉपर आराम नहीं करेगा, प्रॉपर स्लीप नहीं लेगा, प्रॉपर सोएगा नहीं, तो उसकी बॉडी को आराम नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। जो उसने पूरे दिन में वर्कआउट के समय अपनी बॉडी से जो एक्सपेंड किया वो उसके वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए उसको प्रॉपर रेस्ट और स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो वो अनहेल्दी रहेगा। तो ये एक और फैक्टर हो सकता है आपकी हेल्थ को प्रभावित करने का। उसके बाद लास्ट फैक्टर है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स आजकल आप देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। उन पीयर ग्रुप में, उस फ्रेंड सर्कल में कुछ भी ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसमें ये सब हैबिट्स हो सकती हैं और उन हैबिट्स से वो भी और अदर बच्चों में भी डेवलप हो जाती है। उन बैड हैबिट्स में आती हैं एल्कोहल, मीन्स शराब पीना, एल्कोहल का लेना, ये बहुत गलत आदत होती है जिसकी वजह से आपका हेल्थ स्वस्थ पूरा खराब हो जाता है। उसके बाद आता है तंबाकू। तंबाकू मतलब आप पान सुपारी चबाकू ये सब चबाना ही आपके तंबाकू में आता है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। उसके बाद स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसे आप सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, स्मोक करना, गांजा चरस, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आप स्मोक कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की और व्यक्ति की किसी की भी हेल्थ को खराब होने में बहुत देरी नहीं होती है। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जिससे आप अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को भी गंवा सकते हैं। इसलिए ये आप जब खरीदने जाते हैं, जब आप देखते हैं कि एल्कोहल, तंबाकू और स्मोकिंग का जो कोई भी रैपर, कोई भी पैकेट आप खरीदेंगे तो उस पर लिखा होगा इंजीरियस टू द हेल्थ। इसलिए इन सबको अवॉइड करना चाहिए और हम अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। तो ये सब है आपके लिए। थैंक यू, बाय।